गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। सो दिस इज द रिवीजन क्लास रिलेटेड टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। इस क्लास में हम सीखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में कैसे डूब जाता है और कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में कैसे फ्लोट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो चीज याद रखना होगा। बॉडी को फ्लोट कराना है या सिंक कराना है तो उसके लिए दो फैक्टर उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला है डेंसिटी और दूसरा है वॉल्यूम। सबसे पहला जो फैक्टर है डेंसिटी, वो कहता है कि हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट इजिली सिंक इन लो डेंसिटी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाई है, डेंसिटी इसका हाई है, वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ए हाई डेंसिटी बॉडी आल्सो कैन फ्लोट ऑन द लो डेंसिटी सरफेस। ठीक है, किसी बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है तो भी वो फ्लो कर सकता है अगर वॉल्यूम को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर किसी बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है, किसी बॉडी का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वो भी फ्लोट कर सकता है जब उसका वॉल्यूम क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको समझना होगा कि एवरीबॉडी हैज सम मास एंड सम वॉल्यूम। अगर आप लोग मैटर का डेफिनेशन जानते होंगे तो आपको पता होगा कि मैटर इज द थिंग विच ऑक्युपाई अ स्पेस एंड हैज सम मास, है ना, जानते हैं ना आप लोग। मैटर के पास दो चीज जरूरी होता है, पहला क्या होता है, उसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। स्पेस का ऑक्युपाई मतलब वो वॉल्यूम है, उसमें उसमें क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी उसके पास मास है, कोई भी बॉडी उसके पास क्या है, मास, और उसके पास है वॉल्यूम। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम वो कंसीडर करता है स्पेस में, उतना वॉल्यूम वो लिक्विड में भी करेगा। अगर वो वॉल्यूम, अगर सपोज उसका वॉल्यूम है 10 यूनिट, उसका वॉल्यूम है क्या, 10 यूनिट, तो वो 10 यूनिट एयर में वॉल्यूम कंसिस्ट कर रहा है, उसको अगर हम लिक्विड में डाल देंगे तो कितना यूनिट वॉल्यूम कंसिस्ट करेगा, 10 यूनिट वॉल्यूम कंसिस्ट करेगा। ठीक है, यानी किसी बॉडी को हम लिक्विड में डालते हैं तो उतना लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। किसी बॉडी को हम किसी लिक्विड में डाल दिए तो उतना वॉल्यूम वहां पर वो ऑक्युपाई किया ना अपना वॉल्यूम, यस या नो, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, जितना वॉल्यूम क्या किया, ऑक्युपाई किया, तो उतना वाटर तो बढ़ जाएगा ना लेवल, उतना वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं तो वाटर का वॉल्यूम जो बढ़ गया है उसका वेट निकालते हैं। ठीक है, यानी आपको समझना होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालेंगे तो उतना लिक्विड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और उस लिक्विड का हम डिस्प्लेस, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका हम वेट निकालेंगे तो आता है वैल्यू फोर्स ऑफ बायोंसी का। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है, किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो एक ऊपर में एक फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कोई ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट है, उसको हाथ में पकड़े रखिए, ठीक है, इस तरह से हाथ में उसको क्या करेंगे, पकड़े रखिए। ठीक, अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप पानी में डाल दीजिएगा तो आप फील करिएगा कि ये सम लाइटर हो गया, ये लाइटर, इट बिकम लाइटर, यस और नो, इट इज राइट और नॉट, यस सर, ऐसा होता है आप लोग लगता है, यस या नो बोलिए, यस सर, सिर्फ एक ही बच्चा को लगता है। अच्छा, आप लोग कभी गांव में ऐसा देखे हैं कि कुआं है, वहां पर पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी लगा हुआ रहता है इस तरह से, यस सर, देखे हो, तो जो पर्सन कोई गांव में, जिसके एक नानी घर या फिर किसी का रिलेटिव गांव में रहता होगा, उनको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब बाल्टी हम खींचते हैं तो भारी लगता रहता है, लेकिन जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहता है ना, कुआं के पानी के अंदर, कुआं के पानी के अंदर रहता है बाल्टी तो हल्का रहता है, जैसे ऊपर खींच देते हैं पानी के ऊपर तो बाल्टी क्या होता है, भारी होता है, वो खींचने में काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है,
कि किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डिस्प्लेस किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या करता है, उस पर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं बायोंसी फोर्स। वो फोर्स कहाँ से आया? वो फोर्स आया जो हम पानी में डालें बड़े को, तो पानी क्या डिस्प्लेस हुआ, तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उतना ही फोर्स उस पर वो लगेगा। ठीक है, अगर पानी 10 यूनिट डिस्प्लेस हुआ तो 10 यूनिट फोर्स लगेगा, 5 यूनिट डिस्प्लेस हुआ तो 5 यूनिट का ही फोर्स उस पर लगेगा। और इसी को डिफाइन करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट डिफाइंड अबाउट 2200 इयर्स। हमको कैसे पता चलेगा? क्या हमको कैसे पता चलेगा? क्या क्या नहीं पता चल रहा है बोलो? उसको निकाल लेना था। ठीक है, देखिए तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये प्रिंसिपल कब दिया था? 2200 इयर्स एगो। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी बॉडी को, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, देन लिक्विड एग्जर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी। जब किसी बॉडी को हम लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? बायोंड फोर्स। बायोंसी फोर्स सिर्फ अपवर्ड में लगता है क्या सर? बायोंसी फोर्स सिर्फ अपवर्ड में लगता है? यस यस। ठीक है, चलिए देखिए, अब सबसे जरूरी चीज याद करना हमको कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है कि कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है जब हम बॉडी को डाल रहे हैं। ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, कितना हमारा जो वाटर है या लिक्विड है वो डिस्प्लेस हुआ। आया समझ में? इस चीज को याद रखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड या डिस्प्लेस फ्लूइड। आया समझ में? यस सर। चलिए देखिए, जैसे एक एग्जांपल है यहां पर, इसको समझिएगा। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 5 किलोग्राम। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम। अब लिक्विड में जैसे इसको डाल दिए तो हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितना किलोग्राम इस पर कितना किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 किलोग्राम। क्यों 3 किलोग्राम एक्सपीरियंस किया? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उस पर 2 किलोग्राम का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना? इस फोर्स को कौन लगा रहा है? बायोन फोर्स। आया समझ में सबको? यस सर। चलो ठीक है, जैसे ही देखो फिर इसको कैसे समझेंगे, जैसे ही इस बॉडी को इसमें डालेंगे तो ये कंटेनर पूरा वाटर से भरा हुआ है, तो ये 2 किलोग्राम का जितना वॉल्यूम होगा, 2 किलोग्राम जितना वॉल्यूम होगा उतना वाटर ये बाहर निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? यस सर। ठीक, यस सर। चलो, तो ये वॉल्यूम जो बाहर निकाला उसका जो फोर्स वैल्यू आएगा, डिस्प्लेस फ्लूइड का जो फोर्स वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 2 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा? 2 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? तो इससे हम सीख सकते हैं कि कोई भी बॉडी कब फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा। ठीक है,
तो इसके लिए आपको याद रखना है कि कोई भी बॉडी कब फ्लोट करता है, जब उसका बायोंड फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा या इक्वल होता है किससे, वेट, वेट ऑफ वेट से। ठीक है, जैसे कोई बॉडी है 5 किलोग्राम का, ठीक, तो इसका वेट कितना हो गया, 50 न्यूटन हुआ ना। यस सर। अगर कोई 5 किलोग्राम का बॉडी है तो उसका वेट कितना हो गया, वेट का मतलब होता है मास इनटू ग्रेविटी, वेट का मतलब क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। यस सर। तो मास कितना, सॉरी वेट कितना हो गया, 50 न्यूटन। अगर इसको हम किसी लिक्विड में डाल रहे हैं, इसको फ्लोट, इसको लिक्विड में हम डाल रहे हैं, तो इसको फ्लोट करने के लिए कितना न्यूटन चाहिए, ग्रेटर देन 50 न्यूटन। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई डाउट है, तो अब पूछ सकते हो। ठीक है, बीच में जब हम बोलते रहेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, जब हम बोले कि हाँ आप पूछिए क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, तब पूछेगा। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए। बोलो, कौन अभी बोल रहा था कि फोर्स किधर लगेगा, क्या लगेगा, कुछ कुछ, कौन अभी किसका आवाज आ रहा था? आप लोग नहीं पहचानते उसको? शिवम कुमार। बोलो शिवम, क्या प्रॉब्लम था, बोलो। सर पूछ रहे थे कि बायंसी फोर्स सिर्फ अपवर्ड में लगता है। हाँ यस सर, यही पूछ रहे थे। लास्ट क्लास क्या था तुम? लास्ट क्लास नहीं किए थे सर, यूट्यूब पे देख लिए थे। चलो वेरी गुड। तुम्हारा यस किससे से मोबाइल से जुड़े हुए हो, तुम्हारा दिखा क्यों नहीं रहा है? सर मोबाइल से जुड़े हुए हैं, कुछ दिखा नहीं रहा है। तुम माइक ऑन है, तुम्हारा माइक ऑफ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऑन है सर माइक, आप लोगों को दिख रहा है इसका नाम? नो सर। नो सर। ऐसा लग रहा है कि होस्ट, लग रहा है कि कोई होस्ट आईडी से जुड़ा हुआ है ना? यस सर। ऐसा भी होता है ना, हमको तो पता ही नहीं। चलो ठीक। yeah. आगे बढ़े। यस सर। चलो, एक क्वेश्चन दिए थे कि एक बॉडी है वाटर में और ऑयल में, इसको इमर्ज किए तो किसमें फ्लोट करेगा, किसमें सिंक करेगा। सबसे पहले हमको देखना है कि बॉडी का मास कितना है, कितना मास है इसका? 400 kg। ठीक है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 4000 न्यूटन। इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है क्या? यस सर। 0.5 मीटर क्यूब। यस सर। चलो, अब इसी ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को क्या करना हमको, पानी में वाटर और ऑयल में इमर्ज करना। पानी में हमको डालना, इमर्ज करना। नाम दिखा रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, पानी में डाल दें। तो ये कितना पानी,
को डिस्प्लेस करेगा बताइए, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना डिस्प्लेस करेगा ना। यस सर। यस सर। इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना, 0.5 मीटर। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने आ रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. अब जब पानी में इस पर डालेंगे तो इस पर एक कौन सा फोर्स लगेगा, बायोल्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो इनटू जी इनटू वी, रो इनटू जी इनटू वी, व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ वाटर, जीरो पॉइंट 0.5 और वॉल्यूम कितना है, 0.5 ये कट जाएगा ना, तो ये कितना जाएगा, 5000। और वेट कितना था, 4000 न्यूटन। तो आंसर में क्या लिखेंगे, फ्लोट और सिंक, फ्लोट। ठीक, अब देखो अगर पानी में तैर रहा है तो वॉल में तैरेगा कि डूबेगा, तैरेगा तैरेगा ठीक है। अगर कोई वाटर में फ्लोट कर रहा है तो वॉल में भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारा बॉडी फ्लोट करेगा, अभी हम निकालेंगे। अभी एक नया चीज आपको सिखाने जा रहे हैं, वो समझिएगा। बायोंट फोर्स है, ठीक, बायोंट फोर्स है 5000 न्यूटन और वेट कितना है, 4000 न्यूटन, ठीक है। हमें किसी चीज को फ्लोट करवाने के लिए उसके वेट के इक्वल ही बायोंसी फोर्स चाहिए। किसी चीज को फ्लोट कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए, उसके वेट के इक्वल। देखो अभी हम जो बता रहे हैं समझना, अगर हम बॉडी को कंप्लीट इमर्ज कर देंगे तभी ना 0.5 मीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस होगा। यस सर। यस सर। लेकिन हमको बॉडी को कंप्लीट इमर्ज नहीं करना है, हमको करना है उतना ही इमर्ज करेंगे कि वो बायोंसी फोर्स कितना लगा है, 4000 न्यूटन। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, बॉडी का सम पार्ट वाटर के ऊपर होगा। समझ रहे हो मेरा बात क्या हो रहा है, जैसे देखो समझना, मेरी बात समझना। जैसे सपोज इस बॉडी का एक क्यूबिकल बॉडी है, इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर। सपोज मान एक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर अगर पानी में डुबा देंगे तो ये 0.5 मीटर क्यूब वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अगर हम 4 सेंटीमीटर ही इसको वाटर के अंदर इमेज इमर्ज करेंगे तो ये कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर क्यूब वाटर को डिस्प्लेस करेगा, 0.4 मीटर, ठीक है। यानी कि 4/5 पार्ट वाटर के अंदर रहेगा और 1/5 पार्ट वाटर के क्या रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है। तो बायोंट फोर्स कितना हो जाएगा, अब 1000 × 10 × 0.4, 4000 न्यूटन। समझना मेरी बात, जैसे कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है, नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है, यस यस सर, ठीक है। हम आपको ये कंडीशन बताएं कि फ्लोट करने के लिए बायोंट फोर्स ज्यादा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है फ्लोट करने के लिए, लेकिन अगर कोई चीज फ्लोट कर रहा है तब समझेगा कि नेट फोर्स इक्वल है, यानी कि बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, यस या नो,
तो इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि 4/5 पार्ट पानी के अंदर है, क्यों भाई? क्योंकि उसको वाटर डिस्प्लेस करना था. कितना वाटर डिस्प्लेस करना था? जितना वाटर का वेट है 4000 न्यूटन. आया मेरी बात समझ में सबको? यस. अब हमको देखना है वॉयल में कितना पार्ट पानी के नीचे और कितना पार्ट पानी के सॉरी कितना पार्ट वॉयल के नीचे और कितना पार्ट वॉयल के ऊपर. ऊपर ऊपर ये वाला एनालिसिस समझ में आप लोग को कि नहीं आया? यस सर. स्टार्ट करें. यस सर. यस सर. यस सर. देखिए अब हम वाटर में इस बॉडी को डिस्प्लेस किए तो अभी वॉल्यूम तो इसका मानते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम जो है 0.5 मीटर क्यूब है. तो ये मैक्सिमम लेके ही करते हैं कितना वैल्यू आता है. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वॉयल कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर क्यूब. बायोंसी फोर्स कितना हो जाएगा? 900 into 10 into 10 into 10.5. ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500 होगा ना? यस सर. अब इसको बताइए कि इसको फ्लोट करने के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए था? 4000 होना चाहिए था ना? लेकिन अभी कितना है? 4500. यानी कि इसमें भी बॉडी कंप्लीट इसमें इमर्ज्ड नहीं होगा. सम पार्ट क्या होगा? वॉयल के ऊपर होगा और सम पार्ट मैक्सिमम पार्ट वॉयल के क्या होगा? नीचे होगा. देखो अब समझना कितना हम करें. देखो तो बायोन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, समझना कैसे निकालते हैं हाइट. आपको हाइट का भी फॉर्मूला बता रहे हैं. ठीक, तो ये हो गया रो इंटू जी इंटू भी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था इसको? 4000. कितना चाहिए था? 4000. अब देखो जी इंटू भी रो कितना था? 900 इंटू ये हो गया 10. ठीक है, कितना पार्ट फ्लोट करेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये 1000 कैंसिल, ये आ जाएगा भी इक्वल टू आ जाएगा आपको 4/9. क्या गया? 4/9. यानी कि 4/9 कितना पार्ट हो गया अगर हम 1/5 4/5. अगर हम इसको वाटर लेते हैं तो 18 हो जाता है इनटू वी इज इक्वल टू 4000. तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 4/0.4. कितना हो गया? 2/5 सर रिपीट करिए. देखो तो कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम आया? 9/4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 होगा ना? 9 × 36 0.44 मीटर क्यूब. आया समझ में? यस या नो? फिर से देखो. यस सर. भी इक्वल टू कितना हो गया? 4/9 मीटर क्यूब. 4/9 को लिख सकते हैं 0.44 मीटर क्यूब. यस सर. यानी कि बॉडी का 0.44 मीटर क्यूब पानी के क्या है?
अंदर है, अंदर है। और 0.6 मीटर क्यूब पानी के क्या है? ऊपर। 0.6 नहीं 0.06 होगा ना, कितना पार्ट ऊपर है? 0.44 मीटर क्यूब पानी के नीचे क्यों है? क्योंकि उतना उसको वाटर डिस्प्लेस करना है ताकि उसका वेट 4000 न्यूटन हो जाए। 4000 न्यूटन है ना। इसमें कितना हो गया होगा, तो इसमें कितना हो गया होगा, 4/10 यानी कि 0.4 मीटर क्यूब नीचे था और कितना मीटर के ऊपर था? 0.1 मीटर। अब आपको ये बताना है कि किसमें ज्यादा पार्ट, किसमें ज्यादा पार्ट पानी के ऊपर है? वाटर में ज्यादा पार्ट पानी के ऊपर है कि वायु में ज्यादा पार्ट पानी के ऊपर है? वाटर में। क्यों भाई, क्यों पानी के ज्यादा ऊपर है? क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर यही सी वाटर में चला जाएगा, अगर यही सी वाटर में चला जाएगा तो इसका पार्ट और ज्यादा ऊपर चला जाएगा ना। यस सर। सपोज 0.15 हो जाए, 0.15 मीटर क्यूब हो जाए। यस या नो? आया सर में? यस सर। जिसका जितना ज्यादा डेंसिटी रहेगा उतना बड़ी वाट, उतना बड़ी वो लिक्विड के क्या होगा? ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर रहेगा। चलो तो आपको समझ में आ गया कि दोनों केस में बॉडी फ्लोट करेगा, लेकिन वायल में बॉडी ज्यादा नीचे रहेगा वायल के नीचे, लिक्विड के नीचे, और वाटर में क्या होगा, बॉडी कम नीचे रहेगा, फ्लोट दोनों में करेगा। अभी आपको लास्ट क्लास में सिर्फ यही समझाए थे कि फ्लोट करेगा, आज क्या समझाए कि कितना पार्ट ऊपर रहेगा और कितना पार्ट नीचे रहेगा। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? तो मेरे तरफ से फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट हो चुका है क्लास 8 के लिए। इनफैक्ट क्लास 9 के लिए भी आपको फोर्स एंड प्रेशर में, हमें नहीं लगता कि इसके इस चीज से आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा। कुछ कुछ टॉपिक हो सकता है, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो चीज हम नहीं ज्यादा डिस्कस किए हैं क्योंकि उसको डिस्कस करने लेंगे तो एक महीना और लग जाएगा। ठीक है, 8 क्लास में आपका कोई टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम एक असाइनमेंट भेजेंगे, आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। ठीक Yes, sir. अच्छा एडहेसिव कोहेसिव समझ में आया था आप लोग को? यस सर। रिपीट करिए। चलो तुम लोग क्या करो कि फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लो ताकि हम 5-10 मिनट में एडहेसिव कोहेसिव को फिर से हम समझा दें। बोलो। यस सर। असाइनमेंट किस पे है? टेलीग्राम पर। ये भी पूछने वाली बात है। करें तुम लोग ज्वाइन करोगे या छुट्टी मनाना है? छुट्टी मनाना है। करेंगे ज्वाइन, करेंगे ज्वाइन, ज्वाइन करेंगे। ठीक। अर्णव क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? बोलो तो। बोलो क्या पूछना है? रुको पहले मीटिंग ज्वाइन करते हैं फिर करना।